पलाश, बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। इतनी जल्दी? अभी अभी तो आई हो, बड़ी मुश्किल से मिलती हो। ऑक्सीजन हो आप हमारे। ऑक्सीजन? और क्या क्या है हम आपके? सब कुछ। कितना प्यार करते हो हमसे? अपनी जान से भी ज्यादा। लोग कहते हैं कि प्यार करने वाले मौत के पार मिलते हैं। तुम भी मुझसे मिलोगे ना पलाश? गोली मार, कोई कसर ना रह जाए। चंदन का भूत मुझे लेके जाएगा, माँ मुझे मारेगा, प्लीज मुझे बचा लो माँ, प्लीज। नहीं नहीं माँ, मुझे लेके जाएगा वो। माँ वो देखो, वो देखो, वो चंदन का भूत यहाँ खड़ा है। मुझे देख रहा है माँ, मुझे लेके जाएगा, मुझे मार देगा, मुझे वो वहाँ पर है माँ, वो देखो वो रहा, वो रहा वहाँ पर, मुझे लेके जाएगा, मुझे मार देगा, मुझे नहीं जाने। वहाँ कोई नहीं है। मामा सामने खड़ा, वो मुझे देख रहा है, मामा मुझे लेके जाएगा, मुझे नहीं मरना, मुझे मामा चीटी, वो चीटी बन गया। अब वो चीटी बन गया मेरे पास आ रहा है, वहाँ देख लो ना। मुझे नहीं मरना, अरे मेरी कोई को बात सुनो, मुझे नहीं मरना।
मुझे मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना है। रुकी, 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 दरवाजा खोल। रुकी बेटा दरवाजा खोल। तू दरवाजा नहीं खोल रही है। नहीं खोल रही तो तोड़ दे दरवाजे को। रुकी, रुकी कह ही रही थी। चंदनवा का भूत हमारी बहन को खा गया। क्षमा करो शंभू, उस पापी को अपने सामने मरते हुए देखा है। और ऐसी मौत जहां से कोई बचकर वापस नहीं आ सकता, तो फिर वो चीटी भूत बनकर कैसे आ गया? असंभव तरीके से उसकी काया को ले गया वो। नर, पिशाच, गण, पिंडर, सब योनि का भूत देखा है मैंने, लेकिन ऐसा भूत आज तक नहीं देखा। आइए देखते हैं। जो पलक झपकते मिनट भर में आदमी को खा जाए, उसका कंकाल बना दे, ये इम्पॉसिबल है, राइट? हाँ, अगर यही कोई फैंटेसी कहानी होती तो मैं मान भी लेती, पर हमारी दुनिया में ऐसे अपराध हो रहे हैं जो फैंटेसी कहानियों से भी दो कदम आगे दिखते हैं। आखिर क्या है इस कहानी का सच? अरे वैद्य जी, कौन थी, कैसे मरी? बदन पे सिर्फ हड्डी हड्डी बची है। एक आदमी का भूत चीटी बन के खा गया बेचारी को। हेलो, इंस्पेक्टर साहब के लिए एक खबर है। गांव में एक भूत एक औरत को चींटी बन के खा गया। ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं? आप यहां? मरने वाली कौन थी? बहन थी हमारी। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि मर्डर का केस है, दफा 302, यानी किसी इंसानी हत्या का, और जो कोई भी इस हत्या में शामिल है उसे आपराधिक साजिश के तहत दफा 120 बी लगेगा, और जिस किसी ने भी इस बिचारी को उत्साया था उन सबको दफा 306 के तहत कड़ी सजा होगी। छोटी बात नहीं है ये, सबूत मिटाने और अपराध छुपाने की और भी धाराएं सुनाऊं? नीलम मैडम, इतना कानून तो हम भी जानते हैं, सरपंच और कार्यवाहिक मुखिया हैं हम इस गांव के, मृत्यु की सूचना पहले ही भिजवा दी थी। हाँ, बात अगर इंसानी अपराध की होती तो हम आपके थाने में जरूर खबर करते, लेकिन जहां मामला भूत पिशाच का हो, भूत पिशाच तो आपके थाने में नहीं आता, इसलिए आप इसे दूर रहेंगे तो अच्छा है। इसको तो चंदन के भूत ने मारा है, इसमें थाने की पुलिस क्या करेगी? पुलिस अफवाहों पर ध्यान नहीं देती, सच का पता लगाना ड्यूटी है हमारी। अभी तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी आप लोग से। चलो। सर, ये चींटी भूत कुछ भी बातें करते हैं ये लोग, कोई लॉजिक ही नहीं इन लोगों की बातों में। लॉजिक है नीलम, लॉजिक है। अंधविश्वास की आड़ में कोई खेल खेल रहा है, और मजे की बात है कि लोग भरोसा भी कर रहे हैं, और जब तक इनका ये भरोसा है तब तक। सर, इसका क्या करेंगे? सर बैठे, तुम इस मरी हुई लड़की के घर जाओ और उस जगह की अच्छे से जांच करो। अगर चींटियों ने मारा है उसे तो वहां चींटियां होनी चाहिए, एक भी चींटी मिले
तो तुरंत उसे लेकर फॉरेंसिक लैब में आओ। मयंक, लोगों का कहना है कि इस लड़की को भूत ने मारा है। ये उसकी अस्थियों में से मिला एक हड्डी का टुकड़ा है। सारे काम साइड में रखकर सबसे पहले मुझे इसकी पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए, जल्द से जल्द। जी। सर, सर ये रही वो चीटियां जो रुक्मणी के घर से मिली हैं सर। गुड जॉब त्रिपाठी। थैंक यू सर। मयंक, मुझे इन चीटियों की भी पूरी फॉरेंसिक डिटेल चाहिए। गांव वालों का कहना है कि ये चीटियां पल भर में किसी भी इंसान को खाकर उसे कंकाल बना देती है। ऐसा भी होता है? ठीक है, आप मुझे 4 घंटे दीजिए, पूरी डिटेल्स आपके सामने होगी। या थैंक्स। जिस चंदन के भूत की सब बात कर रहे हैं, चलकर उसके परिवार से पूछे तो सही कि चंदन मरा कैसे था। बाबा हम सच कह रहे हैं, चंदन भैया का वो आदमपुर चीटी बनके रुक्मी दीदी को खा गया। बाबा हम सच कह रहे हैं। बिहुला क्या पिछली बार तेरी अम्मा को, इस बार मेरी आंखों के सामने तुझे न मार दे, इसलिए सोचा कि अपने हाथ को क्यों नहीं मार दिए पापा। पागोबा, पुलिस आई है। चंदन के पिता सरकार, ये चंदन की मौत कैसे हुई थी? पगला था हमारा बेटा मालिक, और 4 अक्षर का पढ़ लिए अपने आप को बड़का 30 मार का समझने लगा था। बात नहीं तो भूतवा जंगल में न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता था, यानी कौन कौन सी जड़ी बूटी ला करके घर में ले आता था। एक दिन वही मरा पड़ा मिला, वही गाड़ दिए थे। वही क्यों गाड़ दिया आपने उसे? मालिक, वो भूत ने मारा था उसको। भूत के मारे को घर पे नहीं लाते, नहीं तो भूत घर में आ जाता पीछे पीछे। चलकर दिखाइए कहाँ गाड़ा था अपने अपने बेटे चंदन को। सर, खोदने के लिए आसपास कोई मजदूर नहीं मिला। सर तो जल्दी करना पड़ेगा सर, गांव वाले इधर ही आ रहे हैं सर। चलो उठाओ।
क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब। एक तो पहले से ही विकट शक्तिशाली भूत है उस चंदन का, और अगर आपने खो दिया तो और शक्तिशाली हो जाएगा, पूरे गांव पे संकट आएगा, ये नहीं होने देंगे। आपने तो कहा था खाली पूछताछ करेंगे, लेकिन आप तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं। देखिए, गांव वालों की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो गांव वाले तो भड़केंगे ना। देखिए आप, बोलो मैं क्या पता चला जांच। बागीचों में रहने वाली साधारण चींटियां हैं ये सर। अगर ये साधारण चींटियां हैं तो इतने असाधारण काम कैसे कर रही है? कैसे किसी इंसान को पल भर में नोच कर ये उसे कंकाल बना दे रही है? ये तो पता नहीं सर, लेकिन हाँ, ये चींटियां बहुत ज्यादा अग्रेसिव सिर्फ एक ही टाइम पे होती है, जब रानी चींटी मेटिंग के लिए वर्कर चींटियों को पुकारती है। लेकिन ये चींटियां कितनी भी अग्रेसिव क्यों ना हो, किसी जिंदा आदमी को मारकर खा नहीं सकती। और हाँ, वो जो लड़की का जली हुई हड्डी का टुकड़ा दिया था उसे क्या पता चला? हाँ, ये हड्डी का टुकड़ा किसी लड़की का नहीं बल्कि 25 साल के किसी लड़के का है। लड़के का? जी हाँ, और हड्डी बहुत पुरानी भी नहीं है। ये देखिए सर, हड्डी के अंदर ताजा फ्लूइड पाया गया है, मतलब एक दिन पहले लड़के की मौत हुई होगी। सर, ये तो नया ही बवाल है सर। समझ में नहीं आ रहा त्रिपाठी, ये चल क्या रहा? रुक्मणी अपने कमरे में जाती है और कंकाल बन जाती है, और इधर इस मयंक का कहना है कि वो कंकाल लड़की का नहीं लड़के का था। इसका मतलब शायद रुक्मणी जिंदा, लेकिन वो है कहाँ? उसी के घर जाके पता करते। लेट्स गो। भाई बदल गया है तू। गोविंद भाई पकड़। अब ये मत बोलना कि चाची का फोन। रामा कहाँ है रे तू? जल्दी घर आ जा, पुलिस खड़ी है द्वारे पे। इस साले अब चैन से बैठने भी नहीं देंगे क्या पुलिस वाले? आते हैं ना, चलो आज इन पुलिस वालों से और पारी फरिया लेंगे। चलो गोविंद भाई। जल्दी कर। पूरा समंदर बहाएगा क्या 5 मिनट में? कुछ आवाज को नहीं दे रहा? चल देखते हैं। और पिंटू, पिंटू, अबे पिंटू क्या कर रहा है बे? पिंटू को भी मार डाला बे। जिस कंकाल को आप लोगों ने जलाया, जांच में हमें पता चला कि वो किसी लड़की का नहीं बल्कि लड़के का था। ये कैसे हो सकता है सर? किसी लड़के का कंकाल कैसे हो सकता है? मेरी बेटी मरी है सर, उस कमरे में मेरी बेटी अकेली थी। जब हमने दरवाजा खोला तो उसका कंकाल, उसके कपड़े, उसके गहने सब। सर कंकाल लग गई सर। पिंटू सर, उसका कंकाल सर, उसे भी चींटी वाले भूत ने खा लिया सर। क्या? दसवीं बार कोशिश कर चुके हो, 2 मिनट भी सांस नहीं रोक पाते, ऐसे कैसे करोगे तुम? इसे भी चींटियों ने खाकर कंकाल बना डाला। अब तो सच बता दे, कैसे मरते हैं ये सब? और तेरी बहन का, उसे भी मार डाला है या वो जिंदा है?
बोल। सर क्या कह रहे हैं आप ये? मेरी बहन की चिता तो सर मैंने खुद अपने हाथों से जलाई थी। तूने जिसकी चिता जलाई थी वो लड़के का था, तेरी बहन का नहीं। ए टिपाड़ी बिठाओ इसको गाड़ी में। अरे सर हमें क्यों, सर हमने क्या किया? अगर तुम बेटा बात रुक छोड़ना मत। सर सर बच के भाग गया। सर वो भी भाग गया। उसका भागना इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो इस अपराध में शामिल है। सब कुछ चंदन के कब्जे से शुरू हुआ था ना सर? पिछली बार दिन में भीड़ ने कब्र खोदने नहीं दी थी, अगर रातों रात कब्र खोद दे तो। यू आर राइट नीना। चंदन की कब्र में लड़की की लाश, इसका मतलब बागोबा ने झूठ बोला था। सर रत्ना ने जो फोटो दी थी हमें, ये लड़की तो वैसे ही लग रही है सर। होल्ड दिस। ओह यस, ये तो रुक्मिणी। आपकी बेटी की मौत कल रात ही हुई है। उसे किसी मोटी रस्सी से गला दबा कर मारा गया है। इसका मतलब मेरी बेटी कल रात तक जिंदा थी। फिर वो कंकाल किसका था? मेरी लाडली के साथ किसने किया ऐसा? चंदन का भूत और कौन? त्रिपाठी यस सर, उनकी बेटी की बॉडी हवाले घर बन के। ओके सर। मुखाग्नि हम दे देते हैं, लगता है गोविंद अब नहीं आएगा। कैसे नहीं आता चाचा? अरे अरे आप लोग, बहन मेरी मरी, आप तो मुझे पकड़ रहे हैं। चुप। बता, दो दिन पहले तुम लोगों ने यहाँ किसका कंकाल जलाया? चंदन का। वही चंदन जिसका भूत होने की अफवाह उड़ा रहे थे तुम लोग। चंदन चार दिन पहले मरा है। क्या? हाँ, रुक्मणी के कमरे में चंदन का कंकाल कैसे पहुंचा? साहब हमें कुछ नहीं पता, हमें छोड़ दीजिए साहब, कुछ नहीं जानते हम। निश्चिंत रहिए चाचा, वो दोनों अपना मुंह नहीं खोलेंगे। वो दोनों तो अपनी ईमानदारी निभा रहे हैं, लेकिन तुम में से कौन गद्दारी कर गया? चंदनवा को हम लोगों ने 7 महीने पहले इसी पंचायत में सजा दी थी, फिर वो बच कैसे गया? माफ कर दो, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम कभी रुक्मिणी को नहीं देखेंगे।
लटका दो इसे फांसी पे। सलन का ओके, हमारी बहन को भगाने की हिम्मत, ला बंदूक दे। जाके कलेजा ठंडा हुआ हमारा। हरीशवा, इसे अच्छे से गाड़ देना। तूने चंदन को ठीक से तो गाड़ा था ना? हाँ मालिक, अच्छे से गाड़ा था, बहुत अच्छे से गाड़ा था मालिक। तो फिर वो बच कैसे गया? पुलिस के पास सबूत है। मालिक ऐसे हो ही नहीं सकता मालिक, गोली और फांसी लगाने के बाद कोई कैसे बच सकता है? मालिक जमीन के नीचे तो हम खुद ही गाड़े थे उनको। तूने जमीन के नीचे गाड़ा था ना, तुझे भी जमीन के नीचे गाड़ के देखते हैं, फिर देखते हैं तू कैसे बचता है। फांसी लगाओ इसे, ले जाओ। मालिक मालिक माफ कर दीजिए मालिक, मालिक मालिक माफ कर दीजिए मालिक, मालिक माफ कर दीजिए। फांसी दो इसे। ये स्वर तो मर गया, लेकिन वो चंदन कैसे बच गया? जात वाले ने उसकी मदद की होगी उसे बचाने के लिए। मालिक, जो नियम पीढ़ियों से चलता है उसे भला कौन कैसे तोड़ेगा? मालिकों की बेटी को जो भगा ले जाए उसे यही सजा मिलती है, और इसमें हम सबकी रजामंदी है। मालिक, वो कैसे बच गया हमें नहीं पता, हम में से किसी ने उसको नहीं बचाया, भगवान ही जाने वो कैसे बच गया। हिमालय के पार चले जाओ तुम लोग, वरना सरपंच तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। हेलो, आपकी बेटी किसी दलित के साथ भाग गई। कौन कौन बोल रहा है? कमला, 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 नाक कट गई ससुरी, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। दरपाजी मुझे माफ कर दीजिए, पिताजी बचाई। तेरी बेटी को लेके भागा था ना, लगा इसे। अरे मैं बोलता हूँ लेकिन तुम लोगों को खबर किसने दी? मेरी बेटी कमला ने। हेलो सर, हम कमला बोल रहे हैं, गांव के पलाश से हम प्यार करते हैं सर, हम यहाँ से भाग ही रहे थे कि गांव वालों ने हमें पकड़ लिया सर, वो उसे मार देंगे और शायद मुझे भी। कमला को ढूंढो, कहाँ है वो, उसे लेकर थाने आना है। कमला, 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 तुम ठीक हो? मैम, पलाश को बचा लीजिए मैम। पलाश ठीक है, चलो।
ये गैलन हमें तुम्हारे कमरे से मिला है। इसके अंदर जो केमिकल है, फॉरेंसिक टीम का कहना है कि वो इतना स्ट्रांग है जिसे सूंघते ही चींटियां बेहद आक्रामक हो जाती है। इतनी आक्रामक कि अगर ये केमिकल किसी इंसान की बॉडी पर गिरा हो तो चींटियां उसे पल भर में खाकर कंकाल बना देती है। तुम्हें ना मारा है ना सबको? नहीं सर, मैं तो इस डब्बे को पहचानती भी नहीं। हाँ सर, मैं तो कब से पलाश के साथ भागकर नई दुनिया बसाने की फिराक में थी, तभी तो भागी थी उसके साथ। सर, एक जाति वाला लड़का अगर एक बड़ी जाति वाली लड़की से प्यार करे ना और उसके साथ भागना चाहे तो उसको वही सजा मिलती है जो चंदन भैया को मिली। मौत की सजा? हाँ सर। लेकिन चंदन तो 5 दिन पहले तक जिंदा था। वही जान रहा है मुझे, वो कुत्ता जिंदा कैसे बच गया? कौन बचाया उसे? सर, चंदन दोस्त था हमारा। जब उसको पकड़कर वापस लाया गया तब हमको पता था कि पहले फांसी लगाएंगे और फिर गोली मारेंगे, इसलिए फांसी के समय ये लोहे की गोली ले, ये तेरे गले में अटकी रहेगी ताकि फांसी के फंदे से तेरा गला दब ना जाए। और गोली से कैसे बचाए उसे? साहब, लोहार हैं हम, कट्टा बनाते हैं। चली हुई गोली में बारूद भरकर नकली गोली भी बनाते हैं। नकली गोली जिसमें आवाज बहुत होती है, थोड़ा बहुत घाव भी होता है, लेकिन जख्म ना ही गहरा और ना ही जानलेवा होता है, इसलिए चंदन बच गया सर। भैया से जब पता चला कि चंदन भैया को कैसे बचाया गया तो मैं पलाश से इनको ट्रेनिंग दिलाने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि अगर मैं और पलाश भागे तो पकड़े जाने पर उसको भी वही सजा मिले जो गांव वालों ने चंदन भैया को दी थी। सर, अब प्यार को बचाना तो मेरा फर्ज है ना सर। गांव के भूत प्रेत और मौतों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर, हमारा भी कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इस केमिकल की मदद से लोगों को मार कौन रहा था? केमिकल तो कोई जीने से बना सकता, या फिर वो जो केमिस्ट्री में माहिर हो। साहब, ऐसा तो हमारे गांव में एक ही था, चंदन। लेकिन इस वक्त इसमें सिर्फ पानी है। चंदन भैया तो भाग गया रुक्मिणी के साथ, पर सजा सजा हमारी अम्मा को तीन पापियों ने।
चंदन भैया के भागने के दो दिन बाद रात में आए और अम्मा को घसीट कर ले गए। मेरी अम्मा की तो लाश तक नहीं मिली। मेरे बाबा चुप रहे ताकि मेरी इज्जत बची रहे। फिर डेढ़ साल बाद इन गांव वालों ने चंदन भैया को पकड़ कर मार दिया। फिर एक दिन अचानक से चंदन भैया लौटे। हम बहुत खुश हुए कि हमारा भाई मौत के मुंह से लौट कर वापस आया है। ये देख, ये रसायन बनाया इस बार और इसकी मदद से रुक्मी को वापस भगा ले जाऊंगा मैं, और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझी? पर भाई अम्मा, अम्मा का पता नहीं करोगे? भाई अम्मा की लाश तक नहीं मिली, बेइज्जत करके मारा इन लोगों ने। अरे यार देख, माँ के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता है, बल्कि हमें अपनी आगे की जिंदगी कैसे संवारनी है ये सोचना चाहिए। और इस पर रुक्मी को ऐसे ले जाऊंगा ना कि कोई खोजने भी नहीं आएगा। कैसे? चंदन, तू जिंदा है? ये सब हाँ, मैं जिंदा हूँ और मैं तुझे सब बताऊंगा बाद में। बस तू एक नाटक कर, तू कल से लेकर आज तक एक नाटक कर कि मेरा भूत लौट आया चीटी बनकर। तू बस अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ देना, और बेहुला इधर आ जल्दी जल्दी आ। देख, बेहुला तेरे कमरे में कंकाल रख देगी, और तू बस उस कंकाल को अपने कपड़े और गहने पहनाकर वहां से निकल जाना, फिर हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। तू एक काम कर, वो चीटी का बिल है उसमें जाके पैर डाल और चिल्ला जा। साहब, वो हमारे लिए नहीं, अपनी डार्लिंग के लिए लौटा था। माँ, बहन, बाप सब जाए चूल्हे में, उसको ये सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसे भाई से तो बिन भाई अच्छी हूं मैं। भाई, माँ को बेइज्जत करके मारा, मैं भी जवान हो रही हूं तो मुझे भी एक दिन उठा ले जाएंगे ये लोग। नरक से भी बदतर जिंदगी है हमारी, तू कुछ नहीं करेगा भाई? रे तू फिर शुरू हो गई, मैं वही तो कर रहा हूं। भूत बनकर रुक्मी को यहां से लेकर निकल जाऊंगा, फिर तुझे भी कोई तंग नहीं करेगा। वो रसायन याद है ना, उसकी गंध मिलते ही चींटियां पागलों की तरह उस मांस को खाने लगती हैं, जिस मांस पर उसकी एक बूंद भी गिर जाती है। देखेगी? देख, दिखा रहा है बकरा। लग गया लंदे। हट हट, पीछे हट पीछे। अब देख मजा।
रुक्मणी को क्यों मारा? रांझा तो ऊपर चला गया, पर वो बेचारी हीर तड़प रही थी। चंदन कहाँ है? चंदन ने कहा है रात को उसे उसी जगह मिलना जहां उसे गांव वालों ने गाड़ा था। चंदन, चंदन, चंदन कहाँ हो तुम? बेहुला चंदन कहाँ है? इंटू मेरी माँ को घर से खींच कर ले गया था। साहब ये सबके सब दोषी है। मैं तो चंदन भैया के बनाए द्रव्य से ही सबको मार देना चाहती थी, पर वो खत्म हो गया। इसलिए कमला और पलाश के भागने पर मैंने सरपंच को भी खबर दी और आपको भी। हेलो, आपकी बेटी किसी दलित के साथ भाग गई। हेलो सर, हम कमला बोल रहे हैं। साहब मैंने रंगे हाथ पकड़वाना चाहती थी ताकि इन्हें सजा मिले। साहब इन्हें फांसी तो होगी ना? देखो थोड़ी बहुत देर अबेर हो सकती है, लेकिन कानून हर मुजरिम को सजा देती है, पर इनको भी इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पर सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। अगर तुमने पहले ही पुलिस पर भरोसा कर लिया होता तो शायद अपराधी नहीं बनती। इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं होता। देखा आपने कैसे भूत प्रेत की कहानी की आड़ में किए जाने वाले सारे क्राइम्स में एक बात कॉमन होती है कि अपराधी लोगों के अंधविश्वास को ढाल बनाकर उसके पीछे रहकर अपने क्राइम को अंजाम देता है। अंधविश्वास से और अफवाहों से दूर रहिएगा और अपना ख्याल रखिए।